आइए सज्जनों, अब एक बड़ी ही सच्ची और बड़ी ही अच्छी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये बात शायद आपको अपने जीवन में और भी चौकन्ना कर देगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान मोह माया के बंधन में ऐसा घिरा हुआ होता है कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, लेकिन अपना तो इस जग में कोई नहीं है। जिनको अपना खास कहता है इंसान, वही धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि गैरों को तो कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे तो दुनिया घूम रही है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां धोखा दिया जाएगा अपना समझकर और अपना बनाकर धोखा दिया जाएगा। कुछ प्रमाण आपके बीच में इतिहास से रखूंगा कि जहां इस धोखे का सहारा लेकर के अपनों को बर्बाद कर दिया गया, बारह बार कर दिया गया, दर दर के भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया, ऐसी ही दो चार बातें प्रमाण के रूप में आपको इस बात के अंदर दूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा और आंख खुल जाए तो अपने आप को थोड़ा चौकन्ना महसूस करना, क्योंकि बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। और कोई बुरा ना माने, अपने मेरे भी हैं, सबके होते हैं, लेकिन जहां धोखा देते हैं वहां सबको अपने ही देते हैं। सुनेंगे तरुण बालियान सादीपुर की आवाज में। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। पहली बात, स्वयं अंतर्यामी भगवान श्री राम को धोखा दिया गया था, वो तो भगवान थे। जब उन्हीं को नहीं बख्शा गया तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सुनेंगे पहली बात के माध्यम से। मरवाया
शिकायत क्या करना। और साथियों ये अगली बात एक बहन भाई के रिश्ते पर है, सुनेंगे इतिहास में किस तरह से बहन भाई का रिश्ता तार तार हुआ था। वो बैरी कंस होया जग में, बहना को जेल में डलवाया। वो बैरी कंस होया जग में, बहना को जेल में डलवाया। वन सात भान जे मार दिए गैरों से शिकायत क्या करना। अपने ही धोखा देते हैं गैरों से शिकायत क्या करना। और ये बात महाभारत से, वहां पर भी एक धोखा हुआ था पांडवों के साथ में, सुनेंगे। दुर्योधन नीति कर बैठा, भाइयों को जुआ खिलाया था। पांडवों को बार है बाट किया गैरों से।